थ्री एस है थ्री एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के अंदर आपको ऑर्बिटल ला इलेक्ट्रॉन लाने और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस तरीके से और इन दोनों की स्पिन क्या होनी होनी चाहिए होने चाहिए ऑपोजिट ठीक ठीक है है so सो ये बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट टू गेट अ स्टेबल है अगर हम सारी बात कब कर रहे हैं हम जब ग्राउंड स्टेट लेके चल रहे हैं स्टेबल कॉन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं एक स्टेबल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो ये ही बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ठीक है स्टेटमेंट टू क्या कहता है और ये जो रूल है ये रूल किसने दिया पॉली ने दिया Exclusion rule. Exclusion rule. यह है, है. है. तो यही कहता है कि ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और आई स्पेसिफिकली हम कहेंगे इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम के इक्वल तो यह भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है रूल यही कहता है अगर मैं आपके इस इलेक्ट्रॉन के लिए जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं क्वांटम नंबर लिखूं तो इसके लिए क्वांटम नंबर क्या आएगा देखो एन की वैल्यू आ जाएगी थ्री एल की वैल्यू आ जाएगी जीरो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो क्योंकि एस ऑर्बिटल है ठीक है और एमएस की वैल्यू क्या आ जाएगी एमएस की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस हाफ सपोज ठीक है प्लस हाफ एम एस की वैल्यू क्या जाएगी? हाँ आ जाएगी प्लस हाफ आ जाएगी ठीक है तो अब आप यहां पे क्या देख रहे हो कि चारों क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते हैं चारों क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते हैं uh, क्लियर क्लियर ओके okay, सो so यही चीज उन्होंने पॉली ने कही थी तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है अगर आप इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखोगे तो उसके लिए एन की वैल्यू थ्री आएगी एल की वैल्यू जीरो आएगी एमएल की वैल्यू भी जीरो आएगी यहां पर एमएस की वैल्यू इस टाइम में क्या आ जाएगी प्लस प्लस हाफ की जगह क्या आ जाएगी माइनस हाफ आ जाएगी क्योंकि ये क्या ऑपोजिट स्पिन में है राइट सो so आप देख रहे हो कि तीन क्वांटम नंबर तो इक्वल है बट फोर्थ क्वांटम नंबर हैज टू बी अनइक्वल राइट यही पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बाकी सारे incorrect. I hope you understood this question. Thank you.